गाइस राइट नाउ मैं अपने ऑफिस के छोटे से कैंटीन में था और आप लोगों से थोड़ा शेयर कर देता हूँ। अभी एक अच्छा न्यूज सुनने को आया है, वो न्यूज ये है, कल आपका इनफैक्ट हिमालय 650 अप्रूव्ड हो चुका है और वो प्रोडक्शन के लिए जा चुका है। हिमालय 650 सीसी, जो लोग भी इंटरसेप्टर के बहुत बड़े फैन हो लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हैवी बाइक चाहिए होगा तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब प्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुका है और आप लोग उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। उसके थोड़े जो एग्जॉस्ट है थोड़े से ऊपर की तरफ रहेंगे, उसके जो चेसिस है उसको भी चेंज किया जाएगा। सुनने में आया कि ओल्ड पुराना वाला जो हिमालय था उसका जो चेसिस था थोड़ा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट नया वाला जो हिमालय 650 आएगा उसका आपका स्ट्रक्चर आपके दोनों तरफ रहेंगे, थोड़े से हेवी रहेंगे और थोड़े से बेहतरीन होने वाले हैं। बाकी सब ऑलमोस्ट फीचर आपके सेम रहेंगे, वो बोल सकते हो इंटरसेप्टर 650 सीसी की तरह ही होगा, एचपी रहेगा, बाकी सब फीचर्स बिल्कुल सेम रहेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इसका आने का जो डिस्कशन चल रहा है मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 1.5 ईयर्स वो आ जाएगी। ठीक है, चलो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर ब्लॉग गाइज। आज है आपका संडे 24th of October। जा रहा हूँ एक्चुअली लीना को छोड़ने के लिए। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं पूरे हफ्ता ठीक से कार्डियो नहीं किया, बट स्टिल भी मेरा वेट कम हुआ है। क्यों? बिकॉज आई हैव मेंटेन माई सेल्फ प्रॉपरली। मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया है, ऑलमोस्ट डेली 4 लीटर। जितने भी वेस्ट वाटर होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और न्यू वाटर आपके एक्युमुलेट होते हैं। और साथ ही में कार्डियो करना है आज, मैंने डिसाइड कर लिया है 10K। मैं ट्राई करेंगे 10K, मैं पता नहीं है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट टुडे आई विल। तो फाइनली आज 10K दौड़ना है। सबसे पहली बात गाइज, मैंने ये वाला टी शर्ट क्यों पहना है, कॉटन का है और बहुत ही लाइट है। जब मैं इस तरह का रन करता हूँ 10K वगैरह तो मुझे अपना स्वेट देखने को ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और जिन्हें मैं 10K इससे करूँगा, मैं ट्राई करूँगा जितना देर हो सके। और दूसरा चीज़, मैं आज बहुत ही स्लो रन करूँगा, 6 इंक्लाइन में और कंटिन्यूस जितना देर हो सके, 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे कुछ भी, बिकॉज मैंने ये वीक बिल्कुल नहीं किया है कार्डियो, तो आई हैव टू मेक अप फॉर द एंटायर वीक। पैर में जानता हूँ थोड़ा सा दर्द होगा बट कोई बात नहीं, दैट्स नॉट ए बिग इशू। ये मेरा फेवरेट जूता है, मेरे पास दूसरा भी है बट इससे मैं बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट हूँ और सो इसीलिए मैं इसी को पहन के दौड़ूंगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा जिम में रश है, आई थिंक शाम को इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो इसीलिए सब लोग अभी आ गए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। फाइनली 25 मिनट्स, 2.5 किलोमीटर, अनदर 7.5 किलोमीटर आज खत्म करना ही है। गाइस 5K हुआ कंप्लीट, 5K 48 मिनट्स पे। गाइस 5K 48 मिनट्स पे, जब मैं सोचता हूँ कि मुझे 30 मिनट्स करना है तो अभी जो फीलिंग हो रहा है वो मुझे 25 मिनट्स में ही फील हो जाती है। तो बेसिकली मैंने जैसे दिमाग सेट कर लिया था कि मुझे आज 10K दौड़ना ही है तो इसीलिए मैं इजीली 5K दौड़ पाया। अभी हल्का हल्का जस्ट लेग में लग रहा है कि थोड़ा गर्म हो रही है बॉडी एंड ऑल, पसीना निकलना स्टार्ट हो गया है, सो दैट्स द फीलिंग। चलो अभी इसको कंप्लीट करते, इसको भी कंप्लीट करते, अनदर 50 मिनट्स, इट विल टेक टाइम टू अनदर 5K। गाइस मुझे बहुत जोर से प्यास लग गया है। गाइस बहुत जोर से प्यास लग गया है, मैंने पानी ना लेके बहुत बड़ी गलती की, बस कोई बात नहीं। तो भाई ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है, 60 मिनट हुआ है, 6.1।
गाइस, जिम से आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है खाना। आप चेक करते हो खाने में क्या है। ओह ये क्यों ना, प्रोटीन यस रोटी। माय गॉड दिस इज प्रोटीन वड़ा। बहुत ही इजी होता है बनाना, बहुत ही इजी रेसिपी है। दाल वड़ा बोलते हैं, प्रोटीन से बना हुआ है फुल। दिस इज गुड, दिस इज एग। एक्सरसाइज करने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फूड। यदि आप जितना भी एक्सरसाइज करो, यदि आप खाना ठीक से नहीं खाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन प्रॉपर डाइट में लेना। कार्डियो करके आया 7.5 किलोमीटर, अभी लेना है मुझे थोड़ा सा कार्ब और प्रोटीन, बिकॉज कार्डियो करने के बाद कार्ब्स इज इंपॉर्टेंट, नॉट जिम। जिम अलग होता है, कार्डियो अलग होता है। यूजुअली ट्राई करना, कार्डियो जब करोगे तब मोस्ट प्रोबेबली ट्राई टू टेक लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब और साथ में प्रोटीन, ओके। और जब आप जिम करोगे टेक ओनली प्रोटीन। चलो गाइस, मैं दोपहर पे आके बिल्कुल खाना खाया और मैं सो गया 2-3 घंटे के लिए। और मैं अभी मैं देख रहा था उधम सिंह, सरदार उधम। मैंने कभी भी, मैं इवन क्रांतिकारी थे, मैं उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा था। मीन्स आई नेवर यूज टू फील वॉट दे थिंक। एंड इतने सारे भगत सिंह आए, बहुत सारे भगत सिंह आए, बट आई नेवर फेल्ट लाइक दैट। बट जो जालियांवाला बाग हुआ और मैंने उसके बाद जो कहानी मैं पढ़ रहा था, मैंने वीडियो देखा, हैट्स ऑफ यार। मीन्स आपके खून खौल जाएगा, एक्चुअली लिटरली मीन्स यू विल, आप लोगों का खून खौल जाएगा। देख लो उधर सरदार उधम, आप लोगों को पता चल जाएगा जो हुआ बहुत गलत हुआ था। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अभी जाके इंग्लैंड में जाके उड़ा दूँ किसी को, ऐसा फील हो रहा है। जो ये चीज़ हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था यार। कि स्विगी भाई साहब लोगों से पूछूं कैसा ऑर्डर डिलीवरी हो रहा है, बिकॉज आज मैच भी है ना भैया। आज ऑर्डर बहुत ज़्यादा है ना, ऑर्डर बहुत ज़्यादा है ना। नहीं आज ज्यादा नहीं, कल था ज्यादा। क्यों आज इंडिया पाकिस्तान का 7 o'clock के बाद? हाँ 7 o'clock के बाद बहुत ज्यादा मारने पाएगा कोई ऑर्डर, इतना ऑर्डर रहेगा। तो आज अब होगा, हाँ अभी 7 o'clock के बाद जो भी ऑर्डर करे, ये सब प्रसाद लेके जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं। कहाँ पे प्रसाद लेके जा रहे हैं? ये सब जो भी है, और कहीं पूजा पूजा उठाए उठाए? नहीं नहीं, कोई ऑर्डर करता है, रोज करता है ना पूजा पाठ के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं सब लोग। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए अभी मिठाई उठाई ले जा रहे सब। ऑर्डर आज होगा खतरनाक, बिरयानी होगा खूब, बहुत बिरयानी, चिकन होगा, बिरयानी पिज्जा ये सब खूब चलेगा। हाँ नॉन वेज वाला सब चलेगा। गाइस फाइनली मैच हो गया स्टार्ट, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, और मैं अपना खाना लेके बैठ गया। गाइस 2 विकेट गिर चुका है, बट हौसला नहीं हारना है। हमारे साथ है कोहली और सूर्य कुमार यादव, पक्का मैच खतरनाक लेके तरह जाएगा। गाइस फाइनली 151 रन का टारगेट, मींस 152 पाकिस्तान को बनाना है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है भाई, कुछ भी हो जाए इंडिया को जीतना ही है, पाकिस्तान से नहीं हारना है। चलो